पिछे लाए ते किन्ने चारे नी गिण गिण के दिल तोड़ती टुटते तारे नी रेहानी होने ऐतबार होनी है रेहानी होने ऐतबार ऐदा नी चलते प्यार सोनी ऐदा नी चलते प्यार ऐदा नी चलते प्यार सोनी ऐदा नी चलते प्यार वेलकम बैक टू दिनर वीडियो। भाई आज सुजुकी की एक ऐसी गाड़ी के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ जिसकी मतलब अभी ऐसी हाइप बनी हुई है और वेटिंग पे मतलब एक साल की वेटिंग पे ये गाड़ी जा रही है। सनरूफ हो, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक हो या मतलब जितने भी हैवी हैवी फीचर इस गाड़ी में आ गए और खासी खास इस गाड़ी में आपको ऑप्शन मिल गया ऑल व्हील का, मतलब चारों पहियों में ताकत, 4x4 भी ये गाड़ी है। और बात करी जाए सामने तो सामने मेरा खड़ा हुआ जेटा वेरियंट जो कि इसका मिड वेरियंट है। जैसे सुजुकी वालों का वीडिया ही होता ना वैसे ही नेक्सा का जेटा, ये जेटा वाला मिड वेरियंट होता है। अब इस गाड़ी में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है और किस प्राइस रेंज में ये गाड़ी देखने में मिलती है आज बात करेंगे इस बारे में कि गाड़ी में दम है कि नहीं, लेने लायक गाड़ी है कि नहीं। तो ठीक है, तो ये है वो नेक्सा का नया प्रोडक्ट जिसके बारे में इतनी आजकल हाइप बनी हुई है, कैसी है कैसी है। तो ये सामने गाड़ी खड़ी है यही है मतलब है ठीक है। अब ये जो गाड़ी है ये है इसका जेटा वेरियंट, जेटा वेरियंट से मेरा मतलब है जो इसका बेस से एक ऊपर वाला या टॉप से एक नीचे वाला मतलब बीच का जो वेरियंट है ये वो सामने खड़ा हुआ है। गाड़ी की अगर लुक की बात करी जाए तो सामने से जब आप देखोगे ना तो बोनट थोड़ा थोड़ा आप तो पुरानी वाली जो ब्रेजा आती थी उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिलेगा। बोनट की अगर बात करी जाए तो भाई बोनट मजबूत, जिसे कहते हैं ना मजबूत जो शब्द होता है वो इसी के लिए बना है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत सा बोनट आपको दिया गया है। आगे से क्रोम 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 हर जगह क्रोम, ठीक सुजुकी का एक बड़ा सा लोगो। लाइट्स की अगर बात करिए तो यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी जो कि एक एलईडी का यूनिट है, साथ ही साथ में प्रोजेक्टर भी आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया जो कि क्रोम गार्निश के अंदर आता है। ये थोड़ी काली काली सी क्रोम है जिसे कहते हैं ना डी क्रोम जो होती है वैसी। अगर बात करी जाए इंडिकेटर की तो इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 1, 2, 3 मतलब 3 यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं जो कि क्रोम, वो क्रोम तो खैर इसमें नहीं लगा हुआ बट हाँ ये थोड़ा उठा उठा सा, मतलब ये जो चीज़ देख रहे हो ना ये थोड़ी उठी उठी सी है जो कि काफ़ी स्टैंड आउट कर रही है अलग से, दूर से पता चल रहा है कि मतलब जल रहा है कुछ, मतलब काफ़ी अच्छे जल रहे हैं ये समझो ठीक। नीचे से बात करूँ तो नीचे सिल्वर सा दिया गया कुछ और ये पूरा का पूरा क्रोम यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में ग्रिल आपकी इसकी देखने को मिल जाएगी। ये तो गाड़ी हो गई आगे से की, आगे से कैसी लगती है गाड़ी। अब ये इसका मतलब मिड वाला वेरिएंट है, जो बीच का जो वेरिएंट आता ना वो वाला वेरिएंट ठीक। साइड से अगर बात करी जाए तो साइड से कुछ गाड़ी ऐसी देखने को आपको मिल जाती है जो लुक है गाड़ी की, जो मतलब लुक आ रही है रोड प्रेजेंस जो आ रही है वो काफी लंबी निकल के आ रही है। रोड प्रेजेंस गाड़ी की काफी अच्छी लगती है देखने में। अगर साइड से बात करी जाए तो पूरी की पूरी काफी जैसे मतलब पहले जो एस्क्रॉस आती थी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी एस्क्रॉस जैसी पूरी की पूरी इसकी साइड प्रोफाइल आपको मिलने वाली। इंडिकेटर्स की अगर बात करी जाए तो ORVM पे यहाँ पे एक इंडिकेटर्स दिया जो कि ऐसे करके कुछ जलता है, एक क्रोम की लाइनिंग यहाँ पे दी गई है, कोई भी फेंडर पे आपको इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। अलॉय व्हील्स की अगर बात करी जाए तो अलॉय व्हील्स इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता जो कि अपने आप में काफी अच्छा लग रहा है। टायर साइज की अगर बात करूँ तो 215 का टायर इसमें देखने को मिलता, साथ ही साथ में 17 इंची के व्हील आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब जो व्हील आर्च है गाड़ी का, ये जो पूरा का पूरा व्हील आर्च है ये काफी आपको ब्रॉड दिया गया या कह लो बड़ा दिया गया क्योंकि इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम। ऑल व्हील ड्राइव का खैर इसमें नहीं मिलता, उससे जो ऊपर वाले वेरिएंट आते हैं उसमें मिलता जो कि ऑल ग्रिप करके आता है ठीक। ये तो बात हो गई पूरी की पूरी साइड से, कि साइड से कैसी गाड़ी है। एक पूरी की पूरी स्कर्टिंग गई हुई है जो कि मतलब इनकी ज्यादातर गाड़ियों में आ रही है आजकल, ब्रेजा ब्रेजा में आपने देखी होगी। यहाँ से नीचे से जब आप देखोगे तो पूरी की पूरी एक फिटिंग गई हुई जिसमें थोड़ा बहुत क्रोम का काम कराया गया है ठीक है। साइड से अगर बात करोगे तो इस वाले जो मतलब ये हैंडल है ना, ये जो मतलब पिलियन जो इधर बैठेगा, पिलियन कह रहा हूँ मैं यार ठीक है, ड्राइवर के बगल में जो बैठेगा उसके लिए यहाँ पे भी एक रिक्वायर्ड सेंसर दिया गया ताकि आप अपनी दो अगर जेब में आपकी चाबी रखी हुई तो आराम से खोल लो ठीक। ये तो बात हो गई साइड से गाड़ी के लुक की ठीक। ऊपर से अगर जाओगे तो इधर से पूरा पूरा ऐसी कुछ आपको सज जाती हुई मिलेगी, सार्क फिन एंटीना उधर देखने मिल जाएगा और क्रेटा की तरह इसमें कुछ यहाँ पे सिल्वर सा दिया गया जैसे क्रेटा माता वैसे, एक क्वार्टर ग्लास पैनल पे क्वार्टर पैनल विंडो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ठीक। क्रोम गार्निश की बात करी जाए तो एक क्रोम गार्निश पूरी की पूरी ऐसी गई हुई है जो कि काफी अपने आप में ही अच्छी लगती है ठीक है। ये तो बात हो गई साइड से, व्हील्स मैंने आपको दिखा दी। और हाँ इसमें एक अच्छी चीज क्या है, पीछे भी भाई इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है डिस्क ब्रेक जो कि अपने आप में अच्छी बात है भाई, पीछे भी डिस्क ब्रेक दे रही कंपनी, आगे भी डिस्क ब्रेक दे रही है तो ब्रेकिंग अच्छी होगी ठीक है। ये तो बात होगी इसकी मतलब पूरी की पूरी कि ये साइड से कैसी लुक है। अब आता है उसके पीछे, मतलब मुझसे अगर पर्सनली पूछी जाए ना पीछे का जो लुक बनाया गाड़ी का, देखो पीछे से तो यार अलग ही लेवल पे लग रही है गाड़ी, मतलब क्या लुक निकल के आ रहा है। ग्रैंड विटारा यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ग्रैंड विटारा ठीक। स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी उधर आपको देखने को मिल जाती है इसलिए उसकी बैजिंग उधर दी गई है। लाइट्स की अगर बात करी जाए तो कुछ ऐसी LED आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें जो कि काफ़ी अच्छी लगती है लाइट्स में। इसका एक बार एपरेचर इसका थोड़ा कम करके दिखाऊं, सैचुरेशन मैंने कम करा तो ऐसी जो LED दी गई है ना पूरी की पूरी ये यहाँ तक आई, सुजुकी का लोगो छोड़ा फिर यहाँ पर पूरी की पूरी चली गई ठीक। रात में तो एक अच्छी लगेगी, मतलब ना जैसे वेन्यू देखिए आपने, वेन्यू में बिल्कुल जैसे सेम आ रही वैसी इसमें भी आपको देखने को मिलेगी ठीक।
इधर से अगर मैं बात करूंगा नीचे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जब आप रिवर्स गियर डालोगे तो लाइट जलेगी, एक रिफ्लेक्टर आपको इधर देखने को मिल जाता है। सिल्वर स्कर्टिंग पूरी की पूरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, कैमरा की प्लेसमेंट इधर आपको दी गई है और साथ ही साथ में वाइपर की अगर बात करी जाए तो वाइपर आपको यहाँ पे दिया गया डिफॉगर के साथ। तो ये तो बात हो गई पूरी की पूरी गाड़ी की साइड और पीछे से, जैसे साइड और पीछे से गाड़ी कैसे लगती है। अब बात करूंगा गाड़ी के अंदर से, गाड़ी अंदर कैसी बनाई गई है। मतलब देखो हर एक चीज आप नोटिस कर लो बट अंदर ही इंसान को बैठना है, पीछे से तो केवल बाहर लोग देखना, जो अपना माहौल है वो देखते हैं कि कैसा है गाड़ी में। और अंदर तो मतलब वैसे भी अब ज्यादातर कंपनी इंटीरियर बहुत ही अच्छे किस्म का बना रही है। ठीक, इंटीरियर की अगर बात करी है तो भाई लाजवाब इंटीरियर इस गाड़ी में दिया गया। लेदर ही लेदर आपको हर जगह मिलेगा, लेदर है जाने रेक्सीन है ये तो खैर मुझे कन्फर्म नहीं है, बट जो भी है अच्छा लग रहा है। फैब्रिक से तो बेटर ही है, जो फैब्रिक आता है ना उससे तो काफी बेटर है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है पूरा का पूरा मरून रंग का, काफी अच्छा लेदर सा लगाया गया, पूरा का पूरा रेक्सीन है मुझे खैर कन्फर्म नहीं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा सिल्वर एसेंट, जैसे स्विफ्ट में आते थे वैसे ही वाले यहाँ पे डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ओआरवीएम के कंट्रोल इधर और पावर विंडो के सारे कंट्रोल इधर देखने को मिल गए। ठीक, अब बात करूं इसके मेन इंटीरियर की, मेन इंटीरियर का कैसा निकल के आता, तो कुछ इसका ऐसा मेन इंटीरियर गाड़ी का दिया गया पूरा का पूरा आप देख लो एक बार में। ये जेटा वेरियंट है, मतलब जो इसका मिड वेरियंट है, बार बार आपको बता दे रहा हूँ कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, सीट्स की अगर बात करेंगे तो सीट्स इसमें आपको मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक देखने को नहीं मिलती है, बट थोड़ी हाइटेड पे है। ये देख रहे हो ये जो दिए गए ना, ये इससे हाइट पड़ी हुई है इनकी। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी इंटीरियर की। अंदर से अगर मैं बताऊं तो अंदर से आपको आपको देखने को मिल जाता है इसका स्टार्ट बटन जो होता है पुश स्टार्ट बटन, आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और ये जो चीज मतलब कंपनी ने लगा के दी है ना इंटीरियर में, जो कि काफी अच्छी लग रही है, जैसे वाइड एंगल पे करता हूं मैं, ये जो चीज पूरी की पूरी लगा के दी ना पूरे इंटीरियर में आपको ऐसी लगा के दी, एक यहाँ पे पूरा का पूरा लगा के दिया है। ठीक है, ये लेदर का और ये जो पूरा ऐसा करके जैसे नेक्सॉन में आता है ना हेडसअप वाला डिस्प्ले जो है, हेडसअप डिस्प्ले वैसे यहाँ पे आती है। मतलब ये ऊपर जो ऐसे आते हैं कोई इनबिल्ट नहीं होते, जो पूरे के अंदर घुसे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते मुझे पर्सनली, ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। मीटर की अगर बात करता हूँ तो मीटर कुछ ऐसा इसमें देखने को आपको मिल जाता है अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं। और इसमें यहाँ पे ना डिजाइनिंग सी दी गई है, गौर से आप देखोगे तो डिजाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, काफी अच्छा मीटर मेरे को लगा, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये बताता है। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर की तरफ आपको जो इसका आईआरवीएम है ये काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वाला है। ठीक, ये तो होगी इसकी इंटीरियर की बात की। यहाँ पे अगर बात करी जाए इसकी तो ये काफी अच्छा मुझे लग रहा है यार। देखो एक बार से ऑन करता हूँ ना, अच्छा क्या लगता है यार, ऑन करके भी बता ही देता हूँ। मीटर ऑन करता हूँ तो मीटर में पहले ऐसा कुछ जलता है, फिर दूसरे बारे में ऐसा जलता है और ये पूरा का पूरा सुजुकी का यहाँ पे ऐसा करके आ जाता है और काफी अच्छा लगता है। और ये गाड़ी पता नहीं गुड आफ्टरनून भी सब बोलती है आपको, मतलब एक थोड़ा बहुत फील देती है कि आप एक अच्छी गाड़ी में बैठे हुए। अगर स्क्रीन की बात करी जाए तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिल जाती है और ये थोड़ा बहुत लोड होने में टाइम ले रही है, मतलब क्योंकि सेमी कंडक्टर की चिप की वो चल रही है ना शॉर्टेज यार, और जैसी तैसी चिप जो भी बना पा रहे हैं बना रहे हैं बेचारे। टच रिस्पॉन्स की अगर बात करिए तो रिस्पॉन्स इसका अच्छा है, ऐसे मतलब थोड़ा ना आपको पुश करके डालना पड़ेगा। एवरेज एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपकी सारी यहाँ लिख के आ रही है, रेंज भी आपके यहाँ लिख के आ रही है। मीटर कुछ ऐसा है इसका, ठीक, मीटर को आप यहाँ से मतलब सिलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से कैंसिल कर रहे हो। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पे आपको इसके पूरे के पूरे कंट्रोल के वो मिल जाएंगे। यहाँ पे इससे आप आवाज बढ़ा सकते हो, जो भी देखो अभी तो म्यूट कर दो फिर। ठीक, ये तो इसका टच स्क्रीन। नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पे आप अपना इंडिकेटर ऑन कर सकते हो, जो कि 4x4 इंडिकेटर है। एसी वेंट यहाँ पे दिए गए जो कि काफी अच्छा लग रहा है भाई। इन लोगों ने ये चीज जो दी ना पियानो ब्लैक में, ये काफी ज्यादा मुझे बेहतर लगी। ठीक है, अगर इधर बात करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल गया, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ मिल गया और वो जो SHVS वाली इसकी टेक्नोलॉजी होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ और बढ़ता हूँ तो यहाँ पे पावर सॉकेट दिया गया, एक USB लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ दिया। 5 स्पीड गियर मैनुअल गियर में आती है ये गाड़ी। इधर से आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा, 2 कप होल्डर इधर देखने को मिल जाएंगे और इधर आपको ये जो इसका हैंडरेस्ट है, हैंडरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा है क्योंकि ये आगे भी बढ़ जाता है और इसमें थोड़ी बहुत स्पेस भी है ताकि आप अपना जरूरी सामान इसमें आराम से रखते रहो। ठीक भाई, इंटीरियर की अगर मैं पर्सनली बात करूँ ना तो इंटीरियर यार इसका अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो इसमें टच दिया ना, ये इसका ये हर जगह मरून सा ब्राउन सा जो भी है काफी अच्छा लग रहा है। ग्लोव बॉक्स की अगर बात करता हूँ तो कुछ ऐसा ग्लोव बॉक्स, हाँ ऐसे करके कुछ खुलता है। ठीक, ग्लोव बॉक्स की अगर बात करी जाए तो डिसेंट ग्लोव बॉक्स है यार, अच्छी खासी सामान आप इसमें अपना रख सकते हो। नेक्सा की ऐसी किताब सी इसमें देखने मिल जाती है, एक कप होल्डर कह रहा हूँ बॉटल होल्डर वहाँ पे मिल गया, एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिल गया और अच्छी खासी जगह यहाँ पे आपको एक आध मैगजीन रखने के लिए मिल गई। एसी वेंट इधर, एक ट्विटर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। अगर रोड प्रेजेंस की बात करें तो रोड प्रेजेंस गाड़ी की काफी अच्छी है और जो खुद की जो विजिबिलिटी है भाई एक अलग ही लेवल पे, क्योंकि जो बोनट देखो जैसे मेरी आंखों के सामने अभी बिल्कुल कैमरा, तो बोनट जो है ना वो पूरा का पूरा मुझे दिख रहा है। एसयूवी वाली फील पूरी की पूरी आपको आने वाली, वाई वाई की पूरी मतलब एसयूवी वाली। ठीक है, ये तो होगी इसकी आगे से बात की, आगे की गाड़ी कैसी है। ठीक, अब बात करता हूँ पीछे से, पीछे से कैसी जगह, तो पीछे जाने के लिए सबसे पहले डोर खोला। डोर आप जब देखोगे तो वही डोर भाई, जो मतलब इसका एक अलग ही लेवल पे लग रहा है भाई, मजा आ रहा है यार इसे देख के, कुछ है बढ़िया चीज है ना, ये जो चीज है ना पूरा का पूरा थोड़ा प्रीमियम सा टच आपको दे रहा है। इंटीरियर की अगर बात करा जाए अंदर से तो कुछ ऐसा पीछे का इसका इंटीरियर आपको देखने मिलेगा। हालांकि ये जो सीट्स कवर लगे हुए हैं ये ऑप्शनल लगे हुए हैं, मतलब एक्सेसरीज का पार्ट है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ भाई, एक चीज मैंने नोटिस करी जैसे मैं आपको दोबारा उसके दिखाऊंगा गाड़ी में।
एक चीज मैंने क्या नोटिस करी, जब आप इसके अंदर जाओगे ना तो ये गाड़ी नॉर्मल के कंपैरिजन में भाई ऊंची है, क्योंकि अभी मैं इसमें नॉर्मल तरीके से चढ़ा तो मेरा पैर इसमें लड़ गया। देखो यहाँ पे जैसा आप दिख रहे हो, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको चढ़ना पड़ेगा ऊपर करें, मतलब इसकी जो सीटिंग रहेगी वो थोड़ी बहुत ऊंची रहेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल का। अब मैंने डोर कर दिया बंद, डोर का थर्ड सुनो एक बार भाई, मजबूत है यार, अच्छी आवाज है, मतलब अच्छी आवाज जैसे कहते हैं ना, थोड़ी प्रीमियम आवाज है, वो आवाज है। अगर बात करिए इंटीरियर की, तो इंटीरियर कुछ आपको ऐसा देखने पे लगेगा जब आप पीछे बैठोगे तो काफी अच्छा सा आपको इंटीरियर सामने का देखने को मिलेगा। लाइट्स की अगर बात करिए, पीछे लाइट मुझे यहाँ पे अच्छी खासी लगी। देखो ये मतलब जितनी प्रीमियम कार आती है ना ऑडी बीएमडब्ल्यू, उनमें यहाँ पे दी गई होती है, वरना तो नॉर्मल जो गरीबों वाली गाड़ी होती है उनमें यहाँ पे आती है। ठीक है, वो वाली क्या गाड़ी यार, हम खुद ही गरीब आदमी है ना, तो कुछ ऐसा आपको देखने मिल जाता है इसका इंटीरियर पीछे से। ठीक, इधर से अगर नीचे बात करूंगा तो नीचे आपको यहाँ पे एसी दे दिया गया, जो कि रियर वेंट एसी है, और यहाँ पे चार्जिंग के दो सॉकेट दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पे चार्जिंग के दो सॉकेट दिए हैं, जो उसमें आप एक अपनी यूएसबी और एक टाइप सी लगा सकते हो। थोड़ी बहुत जगह यहाँ पे दी गई ताकि आप अपना फोन चार्जिंग पे लगा के यहाँ रख दो। ठीक, हैंडरेस्ट की बात करी जाए तो कुछ हैंडरेस्ट ऐसा दिया गया जिसमें आपको दो कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, हैंडरेस्ट कर दो बंद। अगर बात करी जाए गाड़ी में सीटिंग की, तो सीटिंग इसकी काफी अच्छी है, कंफर्टेबली आराम से मैं बैठा हूँ, तीन पर्सन एट द टाइम आराम से बैठ जाएंगे। और इसमें एक अच्छी चीज बात करी जाए, हेडरेस्ट जो दिया गया तीनों का एक एक हेडरेस्ट आराम से दिया गया, क्योंकि कॉस्ट कटिंग काफी कंपनियां कर देती, बीच वाला हेडरेस्ट नहीं देती, बट इस गाड़ी में आपको तीन हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक, इसको फिक्स की यहाँ पे आपको बेल्ट दी गई है, जो कि मतलब आप अपने बच्चे के लिए लगा सकते हो। ठीक, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि यहाँ पे डेड पेडल आपको एक पर्टिकुलर दिया गया, जो कि अच्छा खासा दिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लच से नहीं लड़ रहा और काफी अच्छा है। इधर आप देखोगे तो इधर भी एक चीज बता दूं, ये उसका मतलब ये स्टीयरिंग है ना, ये आपको टेलीस्कोप के साथ टिल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। करते हैं बूट के, तो बूट इसका एक बार जब मैं खोलूंगा, तो बूट खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बटन दिया गया जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, पूरा का पूरा खुल गया। अब इसका खैर बूट मेंशन नहीं करा गया कि कितना का है कितने का नहीं है, बट अगर साइज की बात करी जाए तो मैं बताऊँ आपको, दो बड़े वाले जो वीआईपी या मतलब अमेरिकन टूरिस्टर वाले बैग आते हैं ना, आराम से रख सकते हो, और वैसे भी ये सीट फोल्ड हो जाती है, अगर नहीं बनने तब भी फोल्ड आप आराम से कर सकते हो। ठीक, वैसे बूट की अगर बात करी जाए तो डिसेंट सा, 400 तो खैर प्लस ही मिले मेरे हिसाब से, 400 लीटर से तो प्लस ही होगा। हाँ ठीक है, 400 लीटर से प्लस होगा। यहाँ पे आप अपना कुछ रखा सकते हो, थैली वैली टाइप का आइटम, यहाँ पे आप कुछ छोटा मोटा आइटम जो कि आपको फंसा के रखना वो आराम से यहाँ पे रख सकते हो। और इधर आपको देखने को मिल जाती है एक लाइट, जो कि काफी अच्छी चीज है, एसेसरीज चलाने के लिए एक चार्जर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जगह आपको दी गई ताकि आप कुछ अपना सामान रख सकते हो। एक इसका टायर की अगर बात करिए, कुछ ऐसा टायर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफी बड़ा लग रहा है टायर का। अगर साइज की बात करिए तो R17 का इसमें टायर देखने को मिल जाएगा, हालांकि अलॉय व्हील नहीं है, बट तब भी काफी अच्छी बात है कि R17 का टायर दिया, कोई भी कम साइज का टायर इस गाड़ी में नहीं प्रोवाइड कराया गया। सेंसर भी आपको यहाँ पे नीचे प्रोवाइड करा गए हैं, 1, 2, 3, 4। सो भाई पूरी की पूरी मैंने गाड़ी आपको दिखा दी, कैसी गाड़ी है कैसी गाड़ी नहीं है। अब मैं बात करूँ यार गाड़ी में दम तो है, देखो खैर यार बिल्ड क्वालिटी सुधार दी, सारे फीचर दे दिए। अब इसका बेस मॉडल में आपको इतने सारे फीचर मिल जाएंगे ना, आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे फीचर आपको बेस मॉडल मिल जाएंगे इसके। अब इस गाड़ी के प्राइसिंग की अगर बात करी जाए तो 16,70,000 रुपये का आपको अनलोड देखने को पड़ेगा। अवेलेबल है नेक्सा में, सुजुकी का जो नेक्सा है, बरेली की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो लोकेशन होगी वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाड़ी की अगर बात कर ली जाए तो देखो एट द एंड मैं अगर गाड़ी के बारे में मुझसे पूछी जाए पर्सनली कि गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, तो गाड़ी एक नंबर गाड़ी बनाई है यार सुजुकी की तरफ से, मतलब नेक्सा की तरफ से, जो भी ये दोनों सेम ही चीज़ है, जो गाड़ी बनाई है वो काफ़ी अच्छी गाड़ी इन लोगों ने बनाई है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो भी बेहतर है, फीचर भी सारे बेहतर है, स्पेस अच्छी है, और जो थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग या मतलब थोड़े रफ टेरेन में चलते हैं उनके लिए ऑल ग्रिप का भी ऑप्शन है। सो बस यही थी आज की वीडियो कि कैसी है ग्रैंड विटारा कैसी नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।